नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स, मैं हूं अंकिता। सर्दियों के मौसम में आने वाले आफत की तैयारी में दिल्ली सरकार पहले से जुट गई है। सर्दियां आते ही दिल्ली की हवा दमघोटू हो जाती है। वजह कई सारी हैं, जिनमें प्रदूषण, पराली, पटाखे जैसी कई चीजें शामिल हैं। पटाखों पर तो दिल्ली सरकार ने अगले साल जनवरी तक पहले से ही बैन लगाया हुआ है। अब बाकी वजहों से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार 30 सितंबर को 15 सूत्री कार्य योजना की शुरुआत करेगी। इसकी जानकारी पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दी। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अपनी तैयारियों के बारे में बताया कि दिल्ली सरकार ने 5000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के सभी स्थलों पर एंटी स्मॉग उपकरण की तैनाती को अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्देश के उल्लंघन पर परियोजना से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले धूल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले निर्माण और विध्वंस के स्थलों पर एंटी स्मॉग के उपकरण लगाना अनिवार्य था। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम को लेकर तैयार इस कार्य योजना के केंद्र में पराली प्रबंधन, धूल प्रदूषण, वाहन उत्सर्जन, खुले में कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, सबसे अधिक प्रदूषण वाले स्थल, स्मॉग टावर, जन सहभागिता, पटाखा और पड़ोसी राज्यों के साथ संयुक्त कार्रवाई समेत अन्य मुद्दे हैं। वहीं मंत्री ने कहा कि जैसे ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग आदेश जारी करेगा, वैसे ही संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा। विंटर एक्शन प्लान को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने डीपीसीसी के इंजीनियर्स के साथ बैठक की थी और घंटों इन बिंदुओं पर मंथन भी हुआ। इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों को धूल प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, ग्रीन वॉर रूम, ग्रीन ऐप, स्मॉग टावर, रियल टाइम एपोर्समेंट स्टडी जैसे कई स्तरों पर काम करने के लिए टीमें गठित करने का निर्देश दिया था। उम्मीद है कि आने वाले सर्दियों के मौसम में दिल्ली वाले साफ और स्वच्छ हवा में सांस ले सकेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई इन कदमों से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है? ज़रूर हमें कमेंट करके बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।